कभी कुछ खास कभी कुछ खूबसूरत लिखा नहीं मैंने, लेकिन उसे जब जब आपने सुना खूबसूरत बना दिया। लोग इश्क में जमा होते हैं और मैं इश्क में बुजुर्ग हो गया, तो इश्क को मैंने परिभाषित किया है कुछ शब्दों में और वो आप तक पहुंचाना चाहूंगा। जान की बाजी लगाकर की जो जरूरत इश्क है, हो न हो हासिल मगर वो फिर भी हसरत इश्क है। जान की बाजी लगाकर की जो जरूरत इश्क है, हो न हो हासिल मगर वो फिर भी हसरत इश्क है। वो प्रभाकर जिसको ना परवाह इस दुनिया की हो, बेशरम सा बेहया सा बेमुरव्वत इश्क है। और ये चंद लाइनें मैंने किसी के लिए लिखी थी कि हैं आपकी हंसी के हम इस कदर दीवाने, हैं आपकी हंसी के हम इस कदर दीवाने, नजरें झुका के अपनी बस मुस्कुराना सीखिए, है दिल नहीं है मेरा है आपकी इमारत, हुजूर अपनी चीजों पे हक जताना सीखिए। और जब लोग लड़कियों के लिए कहते हैं आज के फैशन को लेकर के सवाल उठाते हैं, उन पे उंगलियां उठाते हैं, तो मैंने अपनी मोहब्बत के लिए लिखा था, तहजीब भरे उस दामन में वो खुद को लपेटे आई है, आंखों में हया है लब पे हंसी वो इश्क समेटे आई है, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा या दूंगा इतना प्यार उसे, मैं जान वसीयत में लिख दूं गर कहते हैं इकरार उसे। मसला ये नहीं है कि वो मुझे पागल बुलाती है, अगर दिल तक पहुंचे तो इत्तला जरूर कीजिएगा। मसला ये नहीं कि वो मुझे पागल बुलाती है, खुशी इस बात की है वो बुलाकर मुस्कुराती है। बड़ी मासूमियत से वो मेरे दिल में उतरती है, मगर ना रूबरू होती है ना ख्वाबों में आती है, वो हंसती है तो लगता है मुझे पागल ही कर देगी, मैं सांसें रोक लेता हूँ वो जब धड़कन सुनाती है, और अंतिम है कि जो कल रात उसने ख्वाब में नादानियां देखी, उसकी आंखें बताती हैं उसे क्यों शर्म आती है। लास्ट सेशन में मैंने कुछ लाइनें लिखी थी और शायद वो मेरी फेवरेट लाइन्स हैं, तो अगर आपको अच्छी लगे, वो जान से भी प्यारा मेरा हबीब होगा, सॉरी आई नीड टू रिपीट, वो जान से भी प्यारा तेरा हबीब होगा, कबूल तुम जिसे करो बड़ा ही खुश नसीब होगा, तुम जब भी जाना मुझ पे ये एहसान किए जाना, मेरे दिल से अपनी सारी तुम याद लिए जाना, ये जख्म लाजमी है जब कांच मैंने तोड़े, रब दिल किसी के दिल से किसी हाल में न जोड़े, मेरे तो किस्से में आओगे तुम, मेरे तो किस्से में आओगे तुम पर किसी के हिस्से में आओगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। एंड कंक्लूसिवली सिर्फ दो लाइनें इसको कपल में सुना दो भाई, थोड़ा स्वागत थोड़ा स्वागत। चलिए आपकी फरमाइश पे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको याद था और आपने इतनी तारीफों से नवाजा हमें। मुझे आपका नाम नहीं याद है लेकिन पोएट्री याद है। शुक्रिया। इश्क मुकम्मल की फरमाइश है, बन गई वो मेरी परछाई और इश्क मुकम्मल हुआ, वो फलक से उतर आई और इश्क मुकम्मल हुआ, उससे मुलाकात हो हकीकत में ये जरूरी तो नहीं, वो बस ख्वाबों में आई और इश्क मुकम्मल हुआ, उसके रुखसार पे जो दिल है कातिल है कहा मैंने,
शर्मा के मुस्कुराई और इश्क मुकम्मल एंड एज अर्लियर आई सेड कि वो दो लाइन कंक्लूसिवली जहां से वो फाइनल हो गया फाइनल चिकच इस कदर तबाह किया उसने कि कुछ इस कदर तबाह किया उसने कि किसी और से निकाल किया उसने।